दोस्तों, बैंक एग्जाम कैफे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस के एपिसोड में हम टाइप एक से लेके टाइप 12 तक के सारे प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, फिर भी अंत तक देखिए। शायद कोई टाइप आपको पता नहीं होगा या तो कोई मेथड आपको पता नहीं होगी, बीच में से ही कहीं स्किप कर जाओगे तो आप उन टाइप से या उन प्रश्नों से वंचित रह जाओगे, उन मेथड से वंचित रह जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप 1 से। तो टाइप 12 तक हमें रुकना नहीं है, पूरी वीडियो देखना है। तो समय ज्यादा व्यतीत न करते हुए मैं चलता हूं टाइप 1 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न है, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी? दोस्तों, यहां पहला प्रश्न है कि जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यह 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, इसे फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मूला का उपयोग नहीं करता हूं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य इज इक्वल टू 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस एंड विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हम रेशियो यहां पर फाइंड कर सकते हैं। तो सीपी अपॉन एसपी दैट विल बी इक्वल टू 16/12। तो ये होगा 4 3 12, 4 4 16। तो हम ये मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 4 है और सेलिंग प्राइस ये 3 है। तो जब कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस 3 है तो इसका मतलब नुकसान हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ये कम है कॉस्ट प्राइस से। तो नुकसान कितना हो जाएगा? 1 रुपए का नुकसान होगा। तो ये 1 रुपए का नुकसान किस पर है? 4 रुपए के ऊपर है। तो 100 के ऊपर कितना नुकसान है? तो वो हो जाएगा प्रतिशत हानि। तो हम लिख सकते हैं, 1 रुपए का नुकसान 4 रुपए के ऊपर, तो 100 रुपए के ऊपर कितना? तो 1/4 of 100 यानी 25% हो जाएगा। तो इस व्यवहार में प्रतिशत हानि जो हुई वो कितनी हो गई? 25% की हानि हुई। दोस्तों, यहां पर ये इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? आप यहां कर सकते हैं कि 4 3 12 एंड 4 4 16, तो ये 4 जो हो गई ये कॉस्ट प्राइस हो गई और 3 जो हो गई ये सेलिंग प्राइस हो गई। इसमें डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि 1 का डिफरेंस कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस क्या है? 4 है। तो 1 का डिफरेंस यानी 1 का नुकसान 4 के ऊपर, तो 100 पर कितना? ये सीधे सीधे 1/4 of 100 दैट इज 25। ये ओरली आप कर सकते हो। ध्यान में रखिए, जब भी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, आप समझ लीजिए आपको ये समझ में आया, फिर कहीं आपको यह प्रश्न मिला तो उसे सॉल्व कीजिए। इसी प्रकार का प्रश्न बार बार आते रहा प्रैक्टिस के समय, तो उसे बार बार सॉल्व कीजिए ताकि उसे ओरली सॉल्व करने की आपको आदत होती जाएगी, और एज फार एज पॉसिबल उसे ओरली सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न है, जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? अब हमें दिया गया है कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य यह कितना है? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सिंपल बात है। तो यहां पर हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी, यह है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये होगा 5 5 25 एंड 5 4 20। अब यहां पर हम ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4 है, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 3
पांच है। अब सेलिंग प्राइस पांच हो गई, कॉस्ट प्राइस चार हो गई, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ है, नफा हुआ है। कितना नफा हुआ है, तो एक का नफा हुआ है। तो एक का नफा कितने पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है फोर, तो फोर पर हुआ मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड, तो सौ के ऊपर कितना, तो फिर से 1/4 100 आया, तो कितने प्रतिशत का नफा हुआ या लाभ हुआ, वो 25% का लाभ हुआ। तो इस तरह से आप इसे ओरली सॉल्व कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं, इतना इक्वेशन लिख लिया बहुत हो गया। तो चलिए अब मुड़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न है, चंद्र ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया, तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने उस गाय को 12,540 रुपए में खरीदा, तो चंद्र ने उसे कितना में खरीदा था। हमें यह पता करना है कि चंद्र ने उस गाय को कितने में खरीदा था। तो जो भी उसकी कीमत होगी, उसने 10% में उस गाय को किसे बेचा, अरुण को बेचा। तो हम यह मान लेते हैं कि चलिए 100 रुपए की गाय है, उसने चंद्र ने 10% लाभ पर किसे बेची, अरुण को बेची। तो 10% 100 का हो जाएगा 10, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 110 रुपए। तो उसने 110 रुपए में अरुण को बेची, एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। अब अरुण ने उसे 5% हानि पर, 5% हानि पर, 110 का 5% कितना आएगा, 10% होता है 11, तो 5% कितना हो जाएगा, 5.50, आधा, 10% का आधा। तो 110 माइनस 5.50 ये कितना होगा, 104.50। अब ये किसने खरीदी है, चंदन ने खरीदी है, करेक्ट। अब चंदन ने 20% लाभ पर, 20% लाभ पर किसको बेची, मोहन को बेच दी। तो 20% लाभ कितना हो जाएगा, 104.50, इसका 10% अगर तुम निकालोगे तो वो आएगा 10 रुपए 45 पैसे, और 10 रुपए 45 पैसे का अगर डबल करोगे तो वो हो जाए 20 रुपए 90 पैसे। तो इतना प्रॉफिट लिया है, इतना लाभ लिया है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितनी कीमत हो जाएगी, 125 रुपए 50 और 50 1 और 40, यानी 125 रुपए 40 पैसे ये उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो मोहन जब उसको 125 रुपए 40 पैसे में लेता है, तो उस समय चंद्र उसे कितने में लेता है, 100 रुपीज में लेता है। तो 125 रुपए 40 पैसे में जब मोहन खरीदता है, तो चंद्र उसे 100 रुपए में खरीदता है। तो एक्चुअली उसने कितने में खरीदा है, मोहन ने खरीदा है 12,540 में खरीदा है, तो चंद्र ने कितने में खरीदा होगा। तो ये कितने पर टाइम्स बढ़ गया है, ये 100 टाइम्स बढ़ गया है, तो ये भी कितने टाइम्स बढ़ेगा, 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 100 × 100 तो वो हो जाएंगे 10,000 रुपीज। तो चंद्र ने उस गाय को कितने रुपए में खरीदा, 10,000 रुपीज में खरीदा। तो दोस्तों इस तरह से बिना फॉर्मूला के आप सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, ताकि अगर पॉइंट में कहीं आ जाए तो परसेंटेज क्विकली निकालते आने चाहिए। वहां अगर आपका समय गया तो फिर ज्यादा समय लगेगा। तो परसेंटेज की प्रैक्टिस अच्छे से निकाले, 10% 15% निकालना हो तो कैसे निकालना, 10% निकालते आता है, एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना, 5% तो उसके आधे हो जाएंगे। इस तरह से प्रैक्टिस कंटिन्यूस जारी रखना परसेंटेज निकालने की, ताकि इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करना बहुत आसान जाता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न है, रमन ने एक घड़ी 12% हानि पर ब्रजेश को बेच दी, जो उसे 10% लाभ पर माधुरी को बेच देता है। वह 15% हानि पर उस घड़ी को जयंती को बेच दी। यदि जयंती उसे 822.80 रुपए में खरीदी,
तो रमन ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था? दोस्तों यह प्रश्न पहले वाले प्रश्न जैसा ही है, सेम है, तो मैं इसे सॉल्व नहीं करता हूं, आप इसे सॉल्व कीजिए और जो भी उसका उत्तर आएगा आप उसे हमें कमेंट बॉक्स के जरिए सूचित कीजिए। तो आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए ताकि हमें भी पता चलेगा कि आपको यह समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं टाइप 3 का पहला प्रश्न। प्रश्न है, जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है, यहां भी हम फॉर्मूला का उपयोग नहीं करेंगे। किसी भी प्रश्न में आज हम फॉर्मूला का उपयोग नहीं करेंगे, सारे प्रश्न बिना फॉर्मूला के सॉल्व करेंगे, सिर्फ लॉजिक से सॉल्व करेंगे। 4 रुपए में 5 नींबू खरीदे हैं तो 4 रुपए में, यानी यहां पे कॉस्ट हो गई 4 रुपए और क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी कितनी हो गई, 5 नींबू की क्वांटिटी हो गई, ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस 4 रुपए में 5 नींबू। सेलिंग प्राइस क्या हो गई हमारी, 5 रुपए में, 5 रुपए में 4 नींबू। तो हमें पूछा गया है कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब यहां पर तो दोस्तों हम बता भी नहीं सकते लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हुई, जब तक कि ये क्वांटिटी इक्वल नहीं होगी। सबसे पहले बात ध्यान में रखना कि जब तक ये क्वांटिटी इक्वल नहीं होगी तब तक हम यह बता नहीं सकते कि कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुई। तो यहां पे पहले हम क्वांटिटी को सेम करेंगे। हमें पता है क्वांटिटी को सेम कैसे किया जाता है। क्वांटिटी को सेम करने के लिए हम इन दोनों क्वांटिटीज का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम तो आएगा 5 4 20, तो यहां पर हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 5 4 20 होगा, और यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 5 4 20 होगा, और ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल होगी। जब आप इन दो नंबर से क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस कॉस्ट को भी क्या करना होगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो हमको यहाँ रुपीज है, कॉस्ट है, और यहां पर है क्वांटिटी। तो चलिए अब हम कर लेते हैं उसे। तो यहाँ पे रुपीज कितने हो जाएंगे, 4 4 16 और 5 4 20, यहां पर हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 5 25 एंड 5 4 20। अब यहां आपके समझ में आएगा कि हमने क्या किया है कि 16 रुपए में 20 नींबू बेचे, सॉरी खरीदे, और बेचे कितने में, 25 रुपए में 20 नींबू खरीदे। अब आया ध्यान में कि क्वांटिटीज को इक्वल क्यों करना है, कि 16 रुपए में उतनी क्वांटिटी खरीदी और 25 रुपए में उतनी ही क्वांटिटी बेची, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर हमें लाभ हुआ है। तो अब लाभ कितना हो गया, और ये 16 और 25 में का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो हो जाएगा लाभ। तो लाभ यहां पर कितना आएगा, 9 रुपए का लाभ आएगा, 16 और 9 25। अब ये 9 रुपए का लाभ कितने पे हुआ है, 16 रुपए पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो हम 100 के ऊपर निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं कि 9 रुपए का लाभ ये 16 रुपए पे हुआ तो 100 रुपए के ऊपर कितना लाभ होगा, कितना प्रतिशत है। तो वो प्रतिशत जो आएगा वो है 56 इंटीजर 1/4, यानी 56 एंड 1/4% का लाभ इस व्यवहार में उस व्यक्ति को हुआ। तो दोस्तों इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये क्वांटिटी को हमें इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद ही आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न है, जब 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 नींबू बेचे जाए तो प्रतिशत हानि क्या है? देखिए ये भी पहले वाले प्रश्न जैसा ही है, इसे भी उसी तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि 4 रुपए में 3 नींबू खरीदे, यानी उसकी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 4 रुपए में 3 नींबू, और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस जो होगी वो 3 रुपए में 4 नींबू, 3 रुपए में 4 नींबू। अब ये तो है क्वांटिटी,
और ये है पैसे। तो यहां पे क्वांटिटी इक्वल नहीं है, तो जैसे मैंने पहले प्रश्न में कहा था कि क्वांटिटी जब तक इक्वल नहीं है तब तक हम बता नहीं सकते कि कितने प्रतिशत हानि हुई या कितने प्रतिशत लाभ हुआ, या कितनी हानि हुई या कितना लाभ हुआ। तो क्वांटिटी इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों क्वांटिटी का एलसीएम निकालते हैं। तो वो एलसीएम आएगा 12, तो यहां पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहां 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी हमें 4 और 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए देखते हैं उसके बाद हमें क्या मिलता है। तो यहां हो जाएगी रुपीज और यहां हो जाएगी क्वांटिटी। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये होगा 16, यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4 3 12, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9, और यहां 4 3 12। अब दोस्तों यहां हमें पता चलता है कि 16 रुपए में खरीदा और सॉरी 16 रुपए में 12 नींबू खरीदे और 9 रुपए में 12 नींबू खरीदे, यानी कम रुपए में उतने ही नींबू बेचे, तो यहां पर हमें नुकसान हो गया है। और नुकसान कितना हो गया वो हम फाइंड कर सकते हैं, 16 माइनस 9, तो वो जो नुकसान आएगा वो कितना आ गया, 7 का नुकसान आ गया। अब ये 7 का जो नुकसान है दोस्तों वो कितने पे है, कॉस्ट प्राइस पे है, यानी 16 पे है। तो 7 का नुकसान 16 पे है तो 100 के ऊपर कितना नुकसान होगा, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 43 इंटीजर 3/4 प्रतिशत, यानी 43 3/4 प्रतिशत का नुकसान इस व्यवहार में होगा। तो ध्यान में रखना कि ये क्वांटिटी हमें सबसे पहले इक्वल करनी होगी। तो दोस्तों हमने 3 टाइप अब तक देखे हैं, अभी से हमें और 10 टाइप देखना है। ये जितने भी टाइप मैं ले रहा हूं ये वही टाइप ले रहा हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हरदम उसे रिपीट किया जाता है। इसे कहते हैं कि जो पेपर सेटर्स होते हैं उनके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, ये सिर्फ नंबर्स बदलते हैं और कुछ नहीं होता है। तो चलिए अब देखते हैं हम अगले टाइप के प्रश्न। चलिए दोस्तों अब देखते हैं टाइप नंबर 4 के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, यदि 12 रुपए में 15 वस्तु खरीदकर 14 रुपए में 20 वस्तुएं बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे पहले वाले प्रश्न में और इसमें क्या अंतर है, तो दोस्तों अंतर ये है कि वहां कहा गया था कि 4 रुपए में 3 नींबू खरीदे और 3 रुपए में 4 नींबू बेचे, सिर्फ ये इनवर्स हो गया था, रिवर्स हो गया था क्वांटिटी और रुपीज, इसलिए हमको जो सवाल करना पड़ता था वह आसान हो गया था, एलसीएम आसान हुआ था। यहाँ लिटिल बिट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन प्रश्न सॉल्व हमें उसी तरीके से करना है। तो किस तरह से करोगे, यहाँ रुपए है और यहाँ क्वांटिटी है। अब 12 रुपए में कितने वस्तु खरीदे, 15 वस्तुएं खरीदे, ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस, खरीदने की कीमत, क्रय मूल्य। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस क्या है, 14 रुपए में 20 वस्तु, यानी 14 रुपीज में 20 वस्तुएं बेची गई, तो ये हो गई सेलिंग प्राइस। अब यहां पर क्वांटिटी तो सेम नहीं है, तो हमें पहले क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा। क्वांटिटी सेम करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60, तो हम इसे 60 बनाएंगे, 14 15 4 60 और 23 60, तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है वो देखेंगे, तो रुपीज और क्वांटिटी। अब यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 × 4 48, और यहां पे 15 4 60, उसके बाद में 14 3 42, और यहां पे 23 60, तो 48 और 42, यहां पे 48 रुपीज में 60 वस्तुएं खरीदी और 42 रुपीज में 60 वस्तुएं बेची, तो यहां पर कम में बेची है तो नुकसान कितना हो गया, 6 रुपए का नुकसान हो गया। तो दोस्तों इसे हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 6 रुपए 48 रुपीज पे मिले,
सॉरी थोड़ी खांसी आ गई थी, 6 रुपए 48 रुपीज पे मिले, तो 100 रुपए पे कितने मिलेंगे? तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 6 वन जा 6, 6 एट जा 48, 100 अपॉन 8, और 100 अपॉन 8 होता है 25/2, एंड 25/2 होगा 12 इंटीजर 1/2%, 12.5%, यानी इस व्यवहार में उसे 12.5% लाभ नहीं हुआ, हानि हुई, क्योंकि कम में बेचे, 6 रुपए की हानि हुई है, तो 12.5% की हानि इस व्यवहार में हुई। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न इसी टाइप का। दोस्तों प्रश्न है, यदि 10 रुपए में 12 वस्तु खरीदकर 6 रुपए में 5 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? प्रश्न वैसे ही है, रुपीज और क्वांटिटी, क्या कहा है कि कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 10 रुपए में 12 वस्तु खरीदे, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची। अब यहां पे क्वांटिटी इक्वल नहीं है, 12 और 5 है, तो हम पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा 12 5 60, तो यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नया रेशियो मिलेगा, वो नया रेशियो होगा सीपी, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 10 5 50, और क्वांटिटी हो जाएगी 12 5 60, 6 12 72, और ये होगा 12 5 60। अब यहां पर ज्यादा में बेची है, 50 रुपए में 60 वस्तुएं बेची है, सॉरी खरीदी है, और 72 रुपए में 60 वस्तुएं बेची है, तो 60 वस्तुएं 50 में खरीद के 72 रुपए में बेची है, इसका मतलब क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो लाभ कितना हुआ है? 22 रुपए का लाभ हुआ है। ये 22 रुपए का लाभ कितने पे हुआ है? 50 रुपए के ऊपर हुआ है। तो हमें पूछा गया है कि 100 के ऊपर कितना लाभ हुआ, तो 22 रुपए का लाभ 50 रुपए के ऊपर, तो 100 रुपए के ऊपर कितना होगा? 52 जा 100, 22 × 2 विल बी 44, तो कितने प्रतिशत लाभ हो गया? 44% का लाभ हुआ। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न की ओर। दोस्तों अभी हम टाइप 5 के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, यदि 2 गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपये में बेचा गया तथा एक पर 15% लाभ और तथा दूसरे पर 15% हानि हुई, तो प्रतिशत हानि क्या है? तो दोस्तों दोनों गाय को प्रत्येक ही 4,675 रुपये में बेचा गया, यानी दोनों में सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस अलग-अलग नहीं है। तो यह प्रश्न उस प्रश्न जैसा होता है जिसमें रिपीटेडली डिस्काउंट दिया जाता है, बस उसी तरह से इसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते कैसे सॉल्व करते हैं। कि समझ लो 100 रुपये कीमत होगी, तो पहले उस पे क्या किया है? 15% की हानि हुई, 15% का लाभ हुआ है, बाद में 15% की हानि हुई है। तो चलिए 15% की हानि लीजिए पहले या बाद में लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 15% की अगर हानि हो गई तो 15% 100 के 15 हो जाएंगे, तो 100 - 15 इट विल बी 85, करेक्ट। और दूसरे समय हमको क्या हुआ है? 15% का लाभ हुआ है, तो 15% का लाभ हम 85 पे लेंगे। 85 का 15% निकालना है, 10% हो जाएगा 8.50, और ऊपर 5%, तो 15% हो जाएगा 12 रुपए 75 पैसे, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 97 रुपीज 75 पैसे, ये टोटल हो जाएगी। यानी 100 रुपए पे हमको कितने मिले? 97 रुपीज 75 रुपीज मिले। तो इसका मतलब हमें जो हानि हुई है वो कितनी हो गई? 2.25% की हानि हुई है। तो दोस्तों इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक ही लाइन में हो जाता है कि 100, उसके ऊपर पहले 15% लाभ ले लीजिए, या तो
15% हानि ले लीजिए, फिर वो 85 होगा, 85 पे 15% लाभ, तो वो हो जाएगा 97.75। इसका मतलब 100 रुपीज खर्च किए थे और 97.75 रुपीज मिल गए, तो कितना नुकसान हुआ है, 2.25% का नुकसान हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य, अब यहाँ पे विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 10% हानि तथा दूसरे को 5% लाभ पर बेचा गया हो, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। अब यहाँ पे ये 10% हानि है और यहाँ पर 5% लाभ है, पहले इसमें दोनों भी सेम थे तो, और विक्रय मूल्य सेम था तो उसको और आसानी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बता देता हूँ जो पहला वाला प्रश्न था, चलिए वहीं जाके बताता हूँ कि वहां पर क्या बताया गया था हमें कि 15% का लाभ और 15% की हानि, तो उसमें हरदम हानि होती है, तो उसे शॉर्ट में सॉल्व करना हो तो फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं x/10 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये x जो होता है, ये x, ये जो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दोनों सेम होती है, इसलिए यहाँ पर 15/10 ब्रैकेट स्क्वायर, और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.25%। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फॉर्मूला। तो अगला जो प्रश्न है उसमें दोनों जो प्रतिशत दिए हैं वो दोनों अलग अलग है, यहाँ पर 10% लाभ हानि है और 5% का लाभ है, तो इसे हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 100 रुपीज है समझ लीजिए कॉस्ट प्राइस, इस 100 रुपीज के कॉस्ट प्राइस पे 10% की हानि दी है, तो यानी कितनी हानि हो गई, 10 रुपए की हानि, तो 10 रुपए की हानि हो गई तो कितने में बेचा, 90 रुपए में बेचा। अब इसके ऊपर कितना लाभ हुआ है, 5% का लाभ हुआ है, तो ये 5% का लाभ 90 का 5%, 10% हो जाएगा 9, तो 5% यानी 9 से आधा हो जाएगा, तो 9 से आधा होगा 4 रुपए 50 पैसे, तो ये 4 रुपए 50 पैसे लाभ हुआ है, तो कितने हो जाएंगे, ये 94.50। तो दोस्तों यहाँ पर ये 100 रुपीज के कितने हो गए, 94.50 रुपीज, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हानि हुई है, तो हानि कितनी हो गई, 5.50% की हानि हो गई है, क्योंकि ये कितना कम है, 100 से कितने कम है, 5.50, यानी 100 पे 5 रुपए 50 पैसे की हानि, इसी का मतलब हो गया है 5.50% की हानि हो गई है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब हम अगले टाइप के प्रश्न, अगला टाइप है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 का पहला जो प्रश्न है वह है, एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूँ। अभी क्रय मूल्य पर बेचना यानी नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, लेकिन ऐसा तो कोई व्यवहार नहीं करेगा, ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं करेगा, इसलिए वो क्या करता है, वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 950 ग्राम का वजन का इस्तेमाल करता है, इस तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 950 ग्राम का वजन यूज करता है 1000 ग्राम की जगह पे, इसका मतलब उसको कितना प्रॉफिट होता है, 50 ग्राम का प्रॉफिट होता है, बराबर प्रॉफिट कितना होता है, लाभ कितना होता है, 50 ग्राम का लाभ होता है, तो ये 50 ग्राम का लाभ 950 पर होता है, तो 100 पर कितना लाभ होगा, ये 0 और 0 कैंसल हो जाएगा, तो ये होगा 5 1 5 5 0 0 5 1 5 5 9 45 10 × 10 = 100, 100/19 = 5 integer 5 by 19 होगा, तो कितने प्रतिशत का यहां पर उसे लाभ होगा, वो 5 and 5/19 प्रतिशत का लाभ होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, प्रश्न है एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का वजन यूज करता है या प्रयोग करता है, वह प्रति किलो
कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। तो एक विक्रेता कहता है कि मैं क्रय मूल्य पर ही ये फल बेचता हूँ, लेकिन 1 किलो के जगह 900 ग्राम का, यानी 1000 ग्राम के जगह 900 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, इसका मतलब उसे 100 ग्राम का क्या होता है, लाभ होता है। तो यह 100 ग्राम का लाभ कितने पे होता है, 900 ग्राम पे होता है। तो 100 के ऊपर कितना होगा, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, तो ये आएगा 100/9, और 100/9 का मतलब होता है 11 इंटीजर 1/9 प्रतिशत। तो उसे जो लाभ होता है वो कितना होता है, 11 इंटीजर 1/9 प्रतिशत का लाभ होता है। दोस्तों अब टाइप नंबर 7 देखेंगे। इस टाइप में किस प्रकार का प्रश्न होता है कि एक दुकानदार माल खरीदने में 12% तथा बेचने में भी 12% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। बेईमानी करता है 12% की, यानी 12% का मुनाफा बेईमानी से प्राप्त करता है। तो समझ लीजिए वो जो माल खरीदता है उस माल की कीमत है 100%। अब खरीदते समय 12% की बेईमानी करके 12% का लाभ प्राप्त करता है, तो 100 के 12% यानी कितने हो जाएंगे, 12 रुपए, तो ये हो गए 112 रुपए। अब बेचते समय भी वो 12% की बेईमानी करता है, तो 12% की बेईमानी करता है तो 112 के 12 रुपए 10% हो जाएंगे 11 रुपए 20 पैसे, और 2% जो है वो 2% हो जाएंगे 2 रुपए 24 पैसे, तो ये आएंगे 13 रुपए 44 पैसे। तो ये 13 रुपए 44 पैसे इसमें 112 में ऐड हो जाएंगे, तो ये टोटल जो आएगा वो टोटल हो जाएगी 125 रुपए 44 पैसे। तो 100 रुपए के कितने हो गए, 125 रुपए 44 पैसे, तो 125 रुपए 44 पैसे यानी 25.44% का लाभ हुआ। तो इस ट्रांजैक्शन में उस दुकानदार को 25.44% का मुनाफा हुआ, लाभ हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, एक दुकानदार माल खरीदने में 5% तथा बेचने में 20% की बेईमानी करता है, तब उसका प्रतिशत लाभ कितना है। पहले 5% की बेईमानी करता है, बाद में 20% की बेईमानी करता है। समझ लो उस माल की कीमत 100 रुपए है, तो पहले 5% की बेईमानी करके 5% का लाभ प्राप्त करता है, तो 5% कितने हो जाएंगे, 5 रुपए, और ये होगा 105 रुपए। अब ये 105 रुपए यहाँ हो गए। अब यहाँ पर बेचते समय फिर से 20% की बेईमानी करता है, तो 105 के 20% यानी कितने हो जाएंगे, 21 रुपए हो जाएंगे। 10% यानी 10.50, तो उसके डबल हो जाएंगे 21 रुपए, तो 21 रुपए यानी वो हो गए 26 रुपए। 105 प्लस 21 यानी 126, यानी 100 रुपए कितने बन गए, 126 रुपए बन रहे, यानी 26 रुपए का प्रॉफिट 100 रुपए के पीछे हुआ। इसका मतलब बेनिफिट या प्रॉफिट कितना होगा, 26% का मुनाफा उस दुकानदार को इस व्यवहार में हुआ। तो अब देखते हैं दोस्तों अगले टाइप का प्रश्न। दोस्तों अभी टाइप 8 के प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 7 रुपए 20 पैसे में बेचने से 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचने से 20% का लाभ होगा। अगर 7 रुपए 20 पैसे में बेची किसी वस्तु को तो 10% की हानि होती है, तो हमें उसे कितने में बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ होगा। अब 10% की हानि होती है, इसका मतलब हम 90% में उस वस्तु को बेचते हैं, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 90%, और यह 90% कितनी है, 7 रुपए 20 पैसे। तो 7 रुपए 20 पैसे यह 90% है, तो 90% यानी 7 रुपए 20 पैसे। तो 20% लाभ होने के लिए कितनी सेलिंग प्राइस होगी, 120% की सेलिंग प्राइस होगी, तो हमको वो कितने में बेचनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट टर्म से उसे डिवाइड करते हैं।
तो वो होगा 120 मल्टीप्लाइड बाय 7.20 डिवाइडेड बाय 90। तो 0 0 विल कैंसल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, तो 4 इंटू 2.40 वो कितना आएगा, 9.60। तो वो चीज या वो वस्तु हमें 9 रुपए 60 पैसे में बेचनी पड़ेगी ताकि कहीं जाके 20% का लाभ होगा। तो चलिए देखते और एक प्रश्न इसी टाइप का। तो प्रश्न है, किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने से 25% का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20 रुपए की हानि होगी। अब 25% का लाभ होता है उसका मतलब परसेंटेज में उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 125%। तो हमें दिया गया है कि 125% यानी कितने हैं, 250 रुपए। तो हमें 20% की हानि होनी चाहिए, तो 20% यानी सेलिंग प्राइस प्रतिशत में कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी। तो 80% यानी कितना, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पहले से डिवाइड करेंगे, तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 125। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 0 25, 1 25 2 8 2 16, एंड 160 रुपीज में हमें उस वस्तु को बेचना पड़ेगा, तब कहीं जाके 20% की हानि होगी। तो दोस्तों अब मुड़ते हैं अगले टाइप के तरफ, टाइप नंबर 9। दोस्तों टाइप 9 देखते हैं हम, तो उसका प्रश्न है, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तब 232 रुपए कम मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, 12% लाभ के जगह 8% लाभ पर बेचते हैं, तो इस प्रतिशत में कितना डिफरेंस है, 4% का डिफरेंस है, लेकिन रुपयों में कितना डिफरेंस होता है, 232 रुपए का डिफरेंस होता है। तो हम कह सकते हैं 4% का मतलब कितना हो गया, 232 रुपए। तो 4% यानी कितने हो गए, 232 रुपए। तो 100% यानी कितने रुपए हो गए, तो ये बढ़ गया, तो ये भी बढ़ना है, तो हमें ये डायरेक्ट वेरिएशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पहले से हम इसे डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा 232 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 5800 रुपीज। तो ये 5800 रुपीज उसकी उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस हो गई, क्रय मूल्य होगा। तो अभी इसी प्रकार का और एक प्रश्न देखते हैं, चलिए देखते हैं उसी प्रकार का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, किसी वस्तु को 12.5% की हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है तब 250 रुपए कम मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 12.5% हानि के जगह 15% हानि पर बेचा, तो इस प्रतिशत में कितना डिफरेंस है, प्रतिशत में डिफरेंस है 2.50% का, लेकिन रुपए में कितना फर्क है, 250 रुपए का। तो यहां हम कह सकते हैं कि 2.50% यानी वो कितने हैं, 250 रुपए है, तो 100% यानी कितने हो गए। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ये बढ़ गया है, तो ये भी बढ़ना है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पहले से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, ये 250 नहीं है, ये 2.50 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड, सॉरी गलत कर रहा हूं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 250 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2.50। यहां से अगर पॉइंट हटाना हो तो यहां न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 250 कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा
10,000 रुपीज, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए। उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपए होगी। तो दोस्तों अब चलिए मुड़ते हैं अगले टाइप की ओर। दोस्तों चलिए अब देखते हैं टाइप 10 का प्रश्न। यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो प्रतिशत लाभ क्या है? 120 वस्तुओं को बेचने पर कितना लाभ होता है? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो यहां पे प्रॉफिट दिया है और वस्तु दिए है, तो हमें मालूम है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना दिया है हमें? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो 20 का जो सेलिंग प्राइस होगा उसके बराबर, ये इतना प्रॉफिट है तो उसके बराबर क्या आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 120 वस्तुओं की जो सेलिंग प्राइस होगी उसमें से अगर 120 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और वो प्रॉफिट हमें कितना दिया है? 20 SP, यानी 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। बस क्या रह गया अभी इस प्रश्न में, ये आपको इक्वेशन मिल गया, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो हमें क्या मिलेगा? 120 कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू, ये इधर लेके जाओगे तो 120 में से 20 माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 SP बचेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 एंड 2 6 12। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा? 5/6। तो 5:6 ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हो गया। तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 होगी तो सेलिंग प्राइस 6 होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 का हमें क्या मिला? प्रॉफिट मिला, 1 का नफा मिला या तो लाभ मिला। तो 1 रुपए का लाभ काय पे मिला? 5 रुपए के ऊपर। तो 1 रुपए का लाभ 5 रुपए के ऊपर, तो 100 रुपए के ऊपर कितना लाभ प्राप्त होगा? तो वो कितना होगा? 20% का लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसी टाइप का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी? अब यहां पे हानि हुई है तो लॉस हम कैसे निकालते हैं? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है तब हमें लॉस होता है। अब लॉस कितना दिया है हमें? 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, अब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी कितने? 200 वस्तुओं को बेचा है तो 200 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस माइनस 200 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस, ये हमें क्या देगा? लॉस देगा। और लॉस कितना है? 50 SP। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, अगर ये 200 SP इधर लेके गए तो 200 SP और 50 SP वो होगा 250 SP, विच इज इक्वल टू 200 SP। आप इसे सॉल्व करेंगे, 0 0 विल गेट कैंसल, 5 5 25 एंड 5 4 20। अब हमें मिलेगा 5 SP इज इक्वल टू ये होगा CP, 200 CP। तो 5 SP इज इक्वल टू 4 CP, तो CP/SP ये जो रेशियो है, ये रेशियो कैसे मिलेगा हमें? 5/4, यानी 5 रुपए की चीज है वो 4 रुपए में बेची गई तो नुकसान कितना हो गया? 1 रुपए का नुकसान हुआ। तो 1 रुपए का नुकसान काय पे हुआ? 5 रुपए पे हुआ। तो 100 रुपए पे कितना नुकसान? तो फिर से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 20% का नुकसान इस व्यवहार में उस दुकानदार को होता है। तो चलिए अब देखते हैं अगले टाइप का प्रश्न। टाइप 11 के प्रश्न देखेंगे, एक रेडियो 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों यहां पर दिया गया है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, बराबर है।
अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस 760 रुपए होती है तब हमें क्या होता है, लाभ होता है। सो 760 माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 540 में बेचने पे हानि होती है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है, 540 रुपए। अब क्या बचा है, अब आपको इक्वेशन मिल गया है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो ये कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस ट्वाइस ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, विच इज इक्वल टू ये दोनों को ऐड, 540 इधर लेके आओगे तो 760 प्लस 540, तो 760 प्लस 540 होते हैं 1300 रुपये। तो डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, 2 0 0, तो कॉस्ट प्राइस कितनी मिलेगी हमको, 650 रुपए की कॉस्ट प्राइस होगी। तो उस रेडियो की कॉस्ट प्राइस है 650 रुपए। अब इसे इतना नहीं सॉल्व करना है, हमको मालूम है प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस दिया है, तो सीधे हमको क्या करना है कि यह हरदम कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस टू कॉस्ट प्राइस होगी, तो टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, और ये दोनों जो हो गए सेलिंग प्राइस उसकी टोटल होगी, तो सीधे यहाँ पे दोनों की टोटल लेना, सीपी इज इक्वल टू सम ऑफ द सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय टू, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मीन होगा या इन दोनों का जो एवरेज होगा वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। तो ऐसे केस में सीधे सीधे दोनों का एवरेज निकालना तो आपको उसकी कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। तो चलिए देखते अगला प्रश्न और उसी पद्धति से सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु को 668 रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना 492 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने में खरीदा गया, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, क्रय मूल्य निकालना है। तो मैंने क्या कहा, ऐसे केस में दोनों का एवरेज निकालना, यानी 668 प्लस 492 डिवाइडेड बाय 2, बस इतना कर लोगे तो आपको सीधे सीधे उस वस्तु का क्रय मूल्य मिलेगा, और वो क्रय मूल्य आता है 580 रुपए का क्रय मूल्य आएगा। तो चलो अब देखते हैं अगले टाइप का प्रश्न। तो दोस्तों अगला टाइप है टाइप नंबर 11, उसका पहला प्रश्न है, यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपए कितने बटन बेचना होगा। अब 1 रुपए में जब 40 बटन बेचते हैं तब 10 रुपए का प्रॉफिट, सॉरी 10% हानि होती है, यानी उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होती है, प्रतिशत में 90% होती है। तो 20% के लाभ के लिए, यानी 120% उसकी सेलिंग प्राइस होने के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। अब ये तो दोनों रुपए एक एक रुपया है, ये कांस्टेंट है, ये सेम है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमें इस पर ही ध्यान देना है। अब यहाँ पे प्रॉफिट अगर बढ़ाना हो तो जो हम 1 रुपए में बटन बेच रहे हैं उसकी संख्या क्या करनी होगी, घटानी होगी, कम करनी पड़ेगी, यानी ये बढ़ेगा तो ये कम करना पड़ेगा। तो ये कौन से टाइप का रेशियो है, इनवर्स वेरिएशन है। तो ये इनवर्स वेरिएशन है, तो इनवर्स वेरिएशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये तीसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलेगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय 120। 0 0 विल गेट कैंसल, 4 1 4, 4 0 0, 4 3 12, 3 1 3, 3 3 9, 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30। तो हमें 1 रुपए में जब हम 30 बटन बेचेंगे तब कहीं जाके हमें 120% का लाभ होगा। और एक प्रश्न इसी प्रकार का देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है कि 1 रुपए में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ होता है यानी 120% में उसे बेचा जाता है। यदि उसे 15% की हानि हुई तो, यानी 15% की हानि यानी 85% में बेचा जाता है, तो वह नींबू किस दर से बेचा होगा। तो अब 1 रुपए में 17 नींबू, तो सेलिंग प्राइस प्रतिशत में कितनी होती है, 120%। तो 85% की सेलिंग प्राइस होने पर
1 रुपए में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमारा प्रतिशत घट गया है यानी हानि हो रही है, तो हमें यहां पे नींबू की संख्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा इनवर्स वेरिएशन, और इनवर्स वेरिएशन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 17 × 120 / 85। तो 17 × 5 = 85, 17 × 1 = 17, 17 × 5 = 85, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20। तो ये कितने हो जाएंगे, 24 नींबू, यानी 1 रुपए में अगर हम 24 नींबू बेचेंगे तो हमें कितनी हानि होगी, 15% की हानि होगी, यानी उस दुकानदार ने या उस फल विक्रेता ने 1 रुपए में 24 नींबू इस दर से नींबू बेचे हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आज 1 से लेके 12 तक के टाइप देखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है फिर भी, लेकिन हमने आज इसमें सब प्रकार के जो प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस में बेचे जाते हैं उन्हें कवर करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक दे दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। तो दोस्तों, चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।